नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसिलोफिलेम प्लस टैबलेट के बारे में। इसके फ़ायदे, नुकसान, इस्तेमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको उपयोग किया जा सकता है, इन सभी बातों की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान हो उसे ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, एसिलोफिलेम प्लस टैबलेट आती है एल्कम कंपनी की और इसमें होता है एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल। एसिक्लोफेनेक इसमें 100 mg होता है और पैरासीटामोल 325 mg होता है एक गोली में। 76 rupees MRP है 10 गोलियों का, लेकिन दोस्तों ये एक जेनरिक दवाई है तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग दर्दों को ठीक करने के लिए किया जाता है, साथ ही अगर बुखार भी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे कि किसी भी प्रकार का दर्द हो, गठिया का दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बात हो गया है, और रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, मांसपेशियों का दर्द, नसों का अकड़ना या चढ़ना, मोच, चोट, सूजन और सिर दर्द, बदन दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द, माइग्रेन का दर्द और कमर का दर्द, और अंदरूनी कोई भी दर्द है अगर, यानी कि तकरीबन सभी प्रकार के दर्दों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी डोज़ की बात करें तो एक टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम को बता सकते हैं डॉक्टर, अडल्ट के लिए, बड़ों के लिए, और सुबह शाम भी बता सकते हैं। और इसे 3 दिन से लेके 7 दिन तक नॉर्मल बताते हैं, और अगर जैसी पेशेंट की कंडीशन होती है तो हो सकता है महीना भर, 2 महीने या 3 महीने भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर रहता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, कितने दिन से है, तो डॉक्टर को चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। अपने मर्ज़ी से आप इसको ना दें, वैसे फिर भी आप इसे 3 दिन से लेके 7 दिन तक नॉर्मल यूज़ किया जा सकता है डॉक्टर की सलाह के साथ, अपनी मर्ज़ी से ना करें। और इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसको लेने से अगर उल्टी, घबराहट, मतली, चक्कर, पेट में दर्द होना या फिर खुजली होना, पूरे शरीर में दाने निकलना या सूजन आ जाना, कब्ज़ बनना, डायरिया होना, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम लगती है पहले ही गोली खाने से तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।